जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, क्योंकि यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगी। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड सोनिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस अच्छे से करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमें बार बार मौके नहीं देगी। अच्छा जी, यूवी और उसके पिताजी को ऑफिस और उनकी स्कूल भेज देने के बाद हल्के फुल्के दो चार काम और बचे हुए हैं। जैसे कल गेहूं धोए थे तो आज अच्छी धूप निकली है तो थोड़ा उनको उलट पुलट करना, कपड़े धो के आज जल्दी सुखा दिए थे उनको अंदर ले आना। ऐसे छोटे मोटे अनगिनत काम होते हैं जो आधा एक घंटा मुझे और लग जाता है ख़त्म करने में। उसके बाद मुझे बैठना तो था, 10:30 बजे मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे 11:15 बज गए हैं। पर कोई बात नहीं, रात को 2-3 बजे तक जागना है तो शायद हो सकता है 8-9 घंटे की नेट स्टडी में कर लूँ। सबसे पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया है। लिटरेचर में मैं अभी पढ़ रही हूँ अमेरिकन लिटरेचर। कल 2-3 राइटर्स के प्रिंट निकाले थे, प्रिंटर मेरे पास है तो मैं फटाफट, जो भी कई राइटर्स ऐसे हैं जिनके वर्क्स मेरे पास नहीं थे, जैसे जैक लंडन है, अच्छा राइटर है, तो उसके एक आधे जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं तो उनका प्रिंट निकाल के आज मैं उनको पढ़ रही हूँ। एक अच्छी सी थोरोली अच्छी सी एक रीडिंग दे रही हूँ ताकि जब भी वापस पढ़ूँ तो सारे पॉइंट्स मुझे क्लियर रहे। नॉवेल्स को इन डीप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी इंसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से इन डीप लिटरेचर को पढ़ा जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर आता है इन डीप ही आता है, मींस अच्छे वाला लेवल होता है उसका। अगर हमें मार्क्स अच्छे ऑब्टेन करने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा डिटेल में उनको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश नॉवल की एक रीडिंग मैंने कर ली है तो इसलिए मैंने इंग्लिश पोएट्री शुरू की है। चौसर पढ़ रही हूँ आज, जिसकी कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस है। 2.5 घंटे की पढ़ाई मेरी हुई है, जिसमें मैंने अमेरिकन पढ़ा है और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है थोड़ा। अब मैं आ गई हूँ किचन में, सांभर बनाया है और इडली बनाई है। आज ऑर्डर मिल गया था कि इडली सांभर खाना है, रोज़ रोटियाँ खा खा के पक गए हैं, तो भाई अभी थोड़ा सा टाइम ही इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ वैरायटी वाला आइटम्स कुछ बन नहीं रहे हैं, तो चलिए ठीक है, अब जो ऑर्डर आया है तो उसको थोड़ा फॉलो कर लेते हैं। तो इडली और सांभर मैंने बनाया है आज खाने में। बैक टू स्टडी नाउ। 2.5 घंटे की स्टडी हुई थी, टाइमर को स्टार्ट कर लिया है वापस और 3 बज रहे हैं। हिस्ट्री मैंने आज स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे घंटा पर हिस्ट्री के लिए निकालना चाहिए, अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने अगर बचे हैं तो उसमें हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी तो बर्डन भी नहीं रहेगा, तो 1 घंटा आज से हिस्ट्री के लिए निकालना भी शुरू कर दिया है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आज मैं पढ़ रही हूँ नृत्य, मींस जो फोक डांस वगैरह है वो मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा सा एक थॉरली उसको रिवीजन दे रही हूँ ताकि अच्छे से माइंड में बैठ जाए, क्योंकि कला और संस्कृति जो है वहाँ से भी 4-5 क्वेश्चंस तो आने ही आना है। इसी बीच बच्चा भी आ जाता है तो थक के, तो उसको भी थोड़ा सुलाना होता है। अच्छा, मुझे आप लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 3rd पेपर के लिए, मींस जो जीके वाला पेपर है उसके लिए, बुक्स वगैरह के बारे में पूछा था। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है करंट के लिए, मैंने आपको कल वाले वीडियो में सजेस्ट कर दिया था कि मूमल हो गया और RBD पब्लिकेशन हो गया और ये वन लाइनर हो गया, ये 2-3 एक जो है और एक सूजस हो गया है ना करंट के लिए, तो ये सफिशियंट है अगर हमें तैयारी करनी है तो। अच्छा, पॉलिटी के लिए, जो राजस्थान पॉलिटी है उसके लिए आप राहुल चौधरी की जो बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है और थोड़े समय में अच्छे से आप उसको कवर कर सकते हो, तो राहुल चौधरी की जो बुक है वो आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, आप एक बार ट्राई कर लीजिए उसको। और
जो अर्थव्यवस्था है इकोनॉमिक्स, तो मेरे हिसाब से आप कपिल चौधरी की क्लासेस देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें डिटेल में एकदम से अच्छे से करवा दिए जितना हमें चाहिए। तो बुक्स की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बुक्स अर्थव्यवस्था की तो ख़रीदी ही नहीं है। फिर है भूगोल, तो भूगोल जो सब्जेक्ट है उसके लिए धिंदवाल जो पब्लिकेशन है उनकी बुक आप मैं प्रिफ़र करती हूँ, आप वो देख सकते हैं। और एक इतिहास है उसके लिए आप पवन भंवरिया जो है उनकी आप बुक ले सकते हैं, कंसाइज है, काफ़ी अच्छी बुक है। और बाकी मेरे हिसाब से, क्योंकि अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम होना है, 2-2.5 महीने का समय है, तो ज़्यादा लेंथी बुक्स पे आप ना जाइए, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और एक कंसाइज वे में हमें अगर पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ना है कम समय में, तो ये वाली बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। माइंड काफ़ी भर गया था तो थोड़ा झूले पर बैठ के रेस्ट फरमाया है। 5 बजने वाले हैं और ये लोग भी अभी आने वाले हैं, तो अब मैं यहाँ से उठूँगी, चाय बनाने की तैयारी करूँगी। ऑनलाइन कोचिंग के लिए ये संकल्प क्लासेस वाले जो सर हैं, ये अच्छे से आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा देते, प्लस गौरव घाणेराव जो सर हैं वो भी अच्छे से करवाते हैं, तो ट्रिक्स भी उन वो थोड़ी थोड़ी बीच में बता देते हैं अगर आप करना चाहें तो। आज सोमवार है तो शिव जी का वार है, तो इसलिए हम जाके आ रहे हैं मंदिर। अच्छा जी, दिन में बनी थी इडली सांभर, अभी भी बच गया है, तो ऑर्डर है कि डोसा बनाइए, तो उसमें तो मुझे कोई ज़्यादा खास टाइम लगना नहीं है, तो शाम के समय हमने डिनर में बनाया है डोसा। फिर से मैं स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। सबसे पहले पढ़ूंगी करंट, अभी बज गए हैं 10:30 और 2-3 बजे तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक्स कवर करनी है पूरी, आज का टारगेट जो है इकोनॉमिक्स उसमें अधूरा पड़ा है, अभी करंट पढ़ के इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करूँगी। इकोनॉमिक्स में मैं योजनाएँ पढ़ रही हूँ और करंट तो चल ही रहा है, और अभी मेरा चल रहा है सेंसस, बोले तो जनगणना। अच्छा जी, जो कॉलेज लेक्चरर वाले तैयारी कर रहे हैं वो बताइए कि इस बार बोले तो 2011 वाली जो जनगणना है उसमें जनसंख्या घनत्व बड़ा है या घटा है, बोले तो डेंसिटी बढ़ी है या घटी है।